इंटेलिजेंस का नाम जिक्र तो आपने अपने साइकोलॉजी के लेक्चर्स में बहुत सुना होगा और उसके बारे में पढ़ा भी होगा। इंटेलिजेंस तो हमें जिंदगी के हर काम को करने में दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, वेदर वी आर स्टडिंग, डूइंग सम जॉब, हर जगह जो है वो हमें अपनी इंटेलिजेंस को शो करना होता है, उससे काम लेना होता है। और इंटेलिजेंस क्या है, एक उसकी बड़ी डेफिनेशन जो पॉपुलर है वो ये है कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट्स मेजर। और उस पर भी बहुत सारे एतराज़ हुए हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट तो असल में मेजर ही सही चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। बात हो रही है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हैं। हाउ वी आर एबल टू डील विद इन आर एनवायरमेंट, हाउ वी आर एबल टू डील विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, और उसमें हमारे इमोशंस जो हैं वो क्या पार्ट प्ले करते हैं। बल्कि एक रिसर्चर ने तो ये भी कहा है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आम इंटेलिजेंस जिसको हम समझते हैं, मेरा ये मतलब नहीं है कि वो आम है और ये ख़ास है, जनरल टर्म में जो इंटेलिजेंस का वर्ड यूज होता है उसकी निस्बत इमोशनल इंटेलिजेंस को गोलमैन ज्यादा वैल्यू देता है। सो लेट्स लुक एट द स्लाइड। इन हिज बुक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, गोलमैन पॉइंटेड आउट इन 1995 दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस टेल्स अस हाउ टू डील विद आवर environment and how to deal with other people while we are interacting with them. और ये आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने में इनफैक्ट ज्यादा मददगार साबित होती है इंटेलिजेंस की निस्बत। और डेफिनेशंस देखते हैं और उसके बाद इसके बारे में मजीद बात करेंगे। Baron pointed out in 1997 and then repeated the same definition in 2000 that emotional intelligence is an array of non-cognitive capabilities, competencies and skills that help us deal with the demands of the environment. They are non-cognitive abilities and capabilities. Thinking ke saath taluk nahi, emotions ke saath taluk hai. Hamari social interactions ke saath taluk hai, and this is in relation to our effectivity of dealing with our environment. Ek aur definition dekhte hain which has been pointed out by Goleman. पहले तो मैंने आपको ये कहा था कि गोलमैन हैज एक्चुअली स्टेटेड दैट इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवर सेल्व्स एंड इन आवर रिलेशनशिप। और ये काफी एक ब्रॉड डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक बात तो ये है कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस, लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि दूसरे लोगों में जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड हम अच्छे अंदाज से कर सकें, तो इसका मतलब ये है कि वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट। और उसके बाद जब लोगों के साथ ताल्लुकात निभाने पड़ते हैं देन वी आर मोर सक्सेसफुल इफ वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप ये कहते हैं कि देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस, तो आप उनको मेजर कैसे करें? नॉट मैनी इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन अवेलेबल टू मेजर इमोशंस, क्योंकि ये एक रिलेटिवली नया एरिया है, इस पर काम कुछ साल पहले शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा मेजर्स नहीं हैं, लेकिन कुछ अच्छे मेजर्स अभी भी अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम इज EQI यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय बारोन इन 1997। अब आपको याद है कि हमने बारोन की एक डेफिनेशन डिस्कस की थी लेक्चर के शुरू में, and that is related with non-cognitive capabilities to deal with our environment. ab wo non-cognitive capabilities ki baat karta hai, lekin uske sath hi thoda sa is measure mein ye problem hai ki it has overlap with different personality and mood variables, jiski wajah se overlap ki wajah se wo kehte hain ki ye jo hai iska psychological elements ke sath taluq ban jata hai aur ye puri tarah segregate nahi kar pa raha ye measure emotional intelligence. iske baraks jo dusra measure hai wo zyada popular hai and that is Mayer Salovey Caruso EI test. EI aapko pata hai emotional intelligence test. ab ye Mayer Salovey Caruso EI test jo hai that was
इनफैक्ट डेवलप्ड बाय दीज थ्री पीपल, इसीलिए इसका इतना लंबा नाम है, एंड दैट वाज डेवलप्ड इन ईयर 2001। अब हमारी जो बाकी डिस्कशन है वो कुछ स्लाइड्स तक इसी टेस्ट के बारे में है। और आपको पता है कि मेयर एड सलोवे ने एक ये बात भी की थी कि इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंटेलिजेंस के चार होते हैं। अब ये उन्हीं को चार एस्पेक्ट्स को मेजर करता है ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट। कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से एस्पेक्ट्स हैं याद करने की कोशिश करें। अभी एक स्लाइड से पहले मैंने उनका जिक्र किया था और उसके ऊपर थोरो डिस्कशन भी हुई है। द फर्स्ट वन इज परसीविंग इमोशंस, द सेकेंड वन इज यूजिंग इमोशंस टू फेसिलिटेट थिंकिंग, एंड द थर्ड वन वॉज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एंड द फाइनल वन वॉज मैनेजिंग इमोशंस। तो ये जो चार एस्पेक्ट्स हैं इन्हीं को इस टेस्ट में मेजर किया जा रहा है। तो अब ये देखते हैं कि चारों एस्पेक्ट्स को आप कैसे मेजर करते हैं। पहला एस्पेक्ट परसीविंग इमोशंस, और आपको याद है कि हमने इसको कैसे डिफाइन किया था, दैट यू आर एबल टू परसीव नॉट ओनली योर इमोशंस बट अदर पीपल्स इमोशंस आल्सो। और आपको एक स्लाइड दिखा रही हूं, ये मेयर सलोवे करोसो ईआई टेस्ट की पहली ब्रांच आइडेंटिफाइंग इमोशंस या परसीविंग इमोशंस को मेजर करने के लिए है। आपको इसमें डिफरेंट फेसेस दिखाए जाते हैं इस टेस्ट में, और ये पूछा जाता है कि ये कौन सा इमोशन जो है आपको इसमें प्रीडोमिनेंट लग रहा है। और आप देख रहे हैं इस स्लाइड पर कि एक लिकर्ट स्केल है फॉर टू इमोशंस, फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज नॉट हैप्पी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। और इसी तरीके से ये जो है और कोई फोटो दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि ये शख्स जो है क्या खौफ में मुब्तला है, दैट पर्सन इज हॉस्टाइल, दैट पर्सन इज एंग्री और व्हाटएवर। तो डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स में आपको डिफरेंट फोटोग्राफ्स दिखाई जाएंगी और लिकर्ट स्केल पर आपको कहा जाएगा कि आप बताइए कि इस वक्त प्रीडोमिनेंट इमोशन जो है वो कितना है। अब बज़ाहर ये बात आसान लगती है कि जी मैं तो आराम से बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि ये लड़की जो है वो स्माइल कर रही थी इस पिक्चर में तो शी इज़ हैप्पी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिग्री ऑफ हैप्पीनेस कितनी है, बिकॉज द रेंज ऑफ स्केल इज फ्रॉम 1 to 5। तो आपने ये भी देखना है कि जो मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं उसमें ज्यादा हैप्पीनेस और उसके बाद का जो लेवल है क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अब आप ये बड़ी बारीकी से देखना होता है, और ये बताता है कि फिर जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह से आप उनके इमोशंस को परसीव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और बात बताती जाऊं कि इस टेस्ट के 8 subsections हैं और इट हैज मोर देन 100 items, और वो फिर तमाम का जो रिजल्ट है वो आप बताता है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन कौन से एस्पेक्ट जो हैं उसमें आपका ज्यादा स्कोर है, किस में कम है, और कौन सा एरिया है जिसमें फर्दर काम की जरूरत है। अब एक और मिसाल दिखाती हूँ आपको। ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, लैंडस्केप्स होती हैं, और लैंडस्केप्स जो है उनको बयान करने के लिए कहा जाता है कि ये लैंडस्केप्स आप देखते हैं, कोई सीनरी आपको दिखाई जाती है और कहा जाता है कि इसको आप डिस्क्राइब करें। तो उसका पर्पस ये होता है कि ये समझा जाए कि आप किस तरह से एक चीज को बयान कर सकते हैं और उसमें आप कैसे अपने इमोशंस जो हैं उनको फिट करते हैं, कैसे आप इमोशनल टर्म्स में एक चीज जो है उसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अब ये तो था पहला एस्पेक्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक शख्स जो है वो कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या था, फैसिलिटेशन टू थिंकिंग, कि कैसे आपके जो रिकॉग्निशन ऑफ इमोशंस है ये फैसिलिटेट करती है आपके थॉट प्रोसेस को। आपको दोबारा एक स्लाइड दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि व्हाट मूड्स आर मूड माइट बी हेल्पफुल टू फील व्हेन मीटिंग इन लॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन क्या है कि आप कौन सा मूड बेहतर होगा जब आप अपने इन लॉज से पहली दफा मिले। खैर हमारे यहाँ तो इन लॉज तब बनते हैं जब शादी हो जाती है जनरली, और शादी से पहले भी खैर इन लॉज लोग कहने ही लगते हैं उनको। मुख्तलिफ कल्चर्स में इसका मुख्तलिफ तरीके से इजहार होगा। इन लॉज के मिलने के वक्त आप से एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी, इसलिए इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक टेस्ट है ये वेस्ट में बना, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है उसके अतबार से होगी। जैसे हमारे यहाँ जो है वो इन लॉज से मिलते वक्त
ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि लड़कियों को खास तौर पे बहुत ज्यादा वार्म होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, उनकी हर बात जो है वो तकरीबन मान ही लेनी चाहिए और जो वो कहें उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। लड़कों से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। बाहर के मुल्कों में और एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, तो इसकी स्कोरिंग जो है कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। अब बात ये हो रही कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है और पर्पस इसका क्या है कि इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अदर पीपल्स इमोशंस, तो फिर आपका थिंकिंग लेवल क्या होगा और आप क्या करेंगे, और थिंकिंग के साथ इमोशंस अगेन वाबस्ता हैं, जैसे कि नॉट यूजफुल इमोशंस जो हैं उस वक्त कौन से हैं और यूजफुल इमोशंस कौन से हैं, जैसे टेंशन, सरप्राइज, जॉय। और आपने अब क्या करना है कि आपने नॉन फीलिंग वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कौन सा इमोशन जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस मेजर इज अंडरस्टैंडिंग इमोशन। जब मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल होती हैं, कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, तो फिर आप उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसको भी एक मिसाल के जरिए समझते हैं और ये एक आइटम है इस टेस्ट की। मिसाल क्या है, टॉम फेल्ट एंशियस एंड बिकेम अ बिट स्ट्रेस्ड व्हेन ही थॉट अबाउट ऑल द वर्क ही नीडेड टू डू। व्हेन हिज सुपरवाइजर ब्रॉट हिम एन एडिशनल प्रोजेक्ट ही फेल्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का साइन आ गया और सिलेक्ट द बेस्ट चॉइस। अब आपने यहाँ पे वर्ड फिट करना है और वर्ड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कौन से वर्ड्स हैं, ओवरवेल्म्ड, अगर एक शख्स पहले काम से परेशान है, एडिशनल प्रोजेक्ट आ जाए तो उसकी क्या फीलिंग होगी, क्या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये डिप्रेस्ड होगा, अशेम्ड होगा, सेल्फ कॉन्शियस होगा, जिटरी होगा। जिटरी जब बंदा थोड़ा नर्वस होता है, अनॉयड होता है। अब पर्पस क्या है कि आपने ये देखना है कि अगर मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस हों, क्योंकि आइटम एक नहीं है एक चीज मैयर करने के लिए, अगर मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस हों तो एक शख्स एक पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या फील करता है और आपने अप्रोप्रिएट वर्ड, इमोशनल वर्ड वहां पे प्रोवाइड करना है। अब इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट वर्ड ओवर देयर, इसका मतलब ये है कि आप इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते और उस एरिया को बिल्ड करने की जरूरत है व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज मैनेजिंग इमोशंस, whether you should detach from those particular emotions or prolong those emotions. अब ये manage करना जो है that is a really difficult task, क्योंकि sometime आप emotions को बहुत suppress कर लेते हैं और वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, because it would have other long term consequences of anxiousness or irritation etc. and your poor relationships with other people. और कभी कभार ये होता है कि आप उनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर वैसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि जी ये तो अजीब किस्म का शख्स है, या आपका जो बिहेवियर है वो लोगों को एक्सेंट्रिक सा लगता है। तो इट्स रियली अ बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस करना होता है व्हेन वी आर सेइंग दैट यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस। अब इसमें क्या मिसाल दी जा सकती है, लेट्स सी दैट। डेबी जस्ट केम बैक फ्रॉम वोकेशन, शी वॉज फीलिंग पीसफुल एंड कॉन्टेंट, हाउ वेल वुड ईच एक्शन प्रिजर्व हर मूड। अब एक्शंस कौन से हैं वो यहाँ बताए गए हैं कि ये जो है वो पीसफुल और कंटेंट फील कर रही है जब वो वेकेशन से आई है, अब उसने वही मूड बरकरार रखना है तो उसको क्या करना चाहिए। अब ये जो नाम आपको अंग्रेजी में नजर आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि ये मिसालें जो हैं वो उस टेस्ट में से ली गई हैं, मेरी अपनी मिसालें नहीं हैं, इसीलिए आपको कोई पाकिस्तानी नाम नजर नहीं आ रहा। अब कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं जो डेबी इख्तियार कर सकती है। शी स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एट होम दैट शी नीडेड टू डू। अब वेकेशन से आके काम तो करना है ना, अब क्या करना है, तो उसने एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी जो उसने आइंदा करनी। दूसरी बात, शी बिगैन थिंकिंग अबाउट वेयर एंड व्हेन शी वुड गो ऑन हर नेक्स्ट वेकेशन, अगली दफा छुट्टियों में कहाँ जाना चाहिए ये सोचना शुरू कर दिया। तीसरी बात या तीसरा एक्शन क्या हो सकता है, शी डिसाइडेड इट वॉज बेस्ट टू इग्नोर द फीलिंग सिंस इट वुडंट लास्ट एनी वे। तो इसके ऊपर कंसेंट्रेट करने की क्या जरूरत है कि अब मुझे क्या करना है, छोड़ देते हैं इस बात को। ये जो भी शख्स ये मैयर फिल कर रहा होगा उसने क्या करना है कि एक रेटिंग स्केल पर जो रेंज उसकी ये है कि नॉट अप्रोप्रिएट टू
वेरी अप्रोप्रिएट. तो आपने ये देखना है कि कौन सा एक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो एंड विच इज इनअप्रोप्रिएट. अब ये तो था एक इंट्रोडक्शन कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को. और चूंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारे कॉम्पोनेंट से मिलकर बनती है, यानी आप दूसरों के इमोशंस को कैसे परसीव करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये टू वे ट्रैफिक है. आप दूसरे शख्स के इमोशंस को समझ रहे हैं, अपने का पता नहीं है, या अपने समझ रहे हैं, यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड कि आपको ये नहीं पता कि दूसरा शख्स जो है उसकी क्या कैफियत है आपसे बात करते हुए. आपकी कोई बात उसको हर्ट कर रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा, और यू आर कैरिंग ऑन द सेम इशू एंड ऑन द सेम टॉपिक. तो फिर क्या होगा, फिर वो शख्स आपको अवॉइड करेगा और आपका इंटरेक्शन उसके साथ सही नहीं रहेगा फ्यूचर में. तो पहली बात यह है कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इमोशन. दूसरी बात यह है कि फिर आप उस इमोशन से जो आपका एक्शन है या थॉट प्रोसेस है वो फैसिलिटेट करेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फाइनल स्टेज है कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं इमोशंस को. तो ये जो चारों एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किए हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के. इसीलिए इन तमाम पार्ट्स की मेजरमेंट की जाती है. और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये देखा जाता है कौन सा शख्स जो है वो किन पर्टिकुलर एरियाज में वीक है और कहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ है. बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि एज सच इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो टीच नहीं की जा सकती. ये तो एक स्किल है, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो लोगों में पाया जाता है, लेकिन इस कैपेबिलिटी को पढ़ाया जरूर जा सकता है विद प्रॉपर कोचिंग. और प्रॉपर कोचिंग जो है उसके फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. इसके बारे में बहुत सारे टीचिंग के प्रोग्राम जो हैं वो बने हुए हैं, डेवलप हुए हैं प्रोग्राम्स. कोई अराउंड 300 प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर टीचिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. So Salover had pointed out in 2002 that more than 300 program developers have initiated the teaching of emotional intelligence. Aur ye different aspects jo hain us par roshni dalte hain. Wo different aspects kya hain? Jaisa ki emotions ko identify karna. Agar aapki bahut zyada training ki jaye, aapko bahut zyada tasveerein dikhai jaye aur kaha jaye ki aap आइडेंटिफाई करें, जैसा कि अभी मिसाल में देखा कि ये लड़की लड़का सब्जेक्ट जो है वो कौन सा इमोशन इस वक्त कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और आपको जरूर फायदा होगा जब लोगों के साथ बातचीत करेंगे ये समझने में कि कौन सा इमोशन इस वक्त इस शख्स पर गालिब. इसी तरह जब आपको ये कहा जाए कि डिफरेंट पिक्चर्स को डिस्क्राइब करें, तो आप में ये कैपेबिलिटी पैदा होगी कि आप डिफरेंट इमोशन और फीलिंग वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकें. और बाकी एस्पेक्ट को देखिए, अगर आपको डिफरेंट टास्क करवाए जाएं, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, कैसे जब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी चाहिए, इमोशंस को रिकॉग्नाइज कैसे करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी चाहिए, लोगों के साथ बात करते हुए किस चीज का ध्यान करना चाहिए, इमोशंस क्रिएट कैसे होते हैं, इनके साथ बड़े बड़े क्यूज कौन से वाबस्ता हैं. तो टीचिंग प्रोग्राम्स जो हैं दे टारगेट दीज एस्पेक्ट. एज सच दे ऑल एग्री के इमोशनल इंटेलिजेंस जो है दैट इज अ स्टेबल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. जिस तरह से पीपल आर मोर और लेस इंटेलिजेंट, सारे एक जैसे इंटेलिजेंस के मालिक नहीं होते, इसी तरह पीपल आर डिफरेंट as far as emotional intelligence is concerned. So research shows that people of all ages can be taught emotional intelligence to enrich their daily life. Or research has concentrated on people of all ages, ranging from children to adolescents to adults and then to older people.